वालेकुम शेख बारिश एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूं महमूद और आप सब देख रहे हैं किचन कुक बुक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बहुत बहुत खुश आमदीद, और जो लोग पुराने हैं वो खुश आबाद रहें। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ फ़िश फिले, और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट के साथ हम इसको बेक करेंगे। साथ में हम ले रही हूँ मैं फ्रेश वेजिटेबल्स, जो कि फ्रेश नहीं, सॉरी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। इनको हम सिर्फ सॉटे करेंगे, और साथ में हम बना रहे हैं बेक फ्रेंच फ्राइज, जो कि मैंने ऑलरेडी रख दी हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैं सबसे पहले सॉटे करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ठीक है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। तो थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर जा रही है, लाइक टीस्पून में डालने लगी हूँ, ठीक है। आप पर डिपेंड करते हैं आप कितनी सर्विंग बना रहे हो। मैं बना रही हूँ उस वक्त 3 से 4 लोगों की सर्विंग, ठीक है। तो मैं बहुत हल्की वाली आंच पर दम देकर रख दूँगी, ठीक है। ये मैंने कर दिया कवर, इसको मैं रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फ्रेश वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप इसको अच्छे से एक दफ़ा बॉईल करेंगे सब वेजिटेबल्स को, फिर आप लोग सॉटे करने रखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। सारे के सारे मसाले इसमें इकट्ठे कर लेंगे कि क्या क्या हम इस्तेमाल करने लगें। फ़िश है, इसको हम फ्राई नहीं कर रहे, बेक कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है लहसुन चॉप हुआ हुआ, 3 से 4 जो हुए हैं, और ये दो टमाटर नहीं, प्याज हैं छोटे छोटे, जिनको मैंने स्लाइस कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, फ़िश के लिए हम सब कुछ जो भी है वो हम लोग ड्राई मसाले ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स नहीं लेते, ठीक है जी। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है। उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें पेपरिका, पेपरिका आपको कितना स्पाइसी चाहिए आप उसी हिसाब से डालो। ब्लैक पेपर कुटी हुई 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स पाउडर, ठीक है, जीरे का पाउडर, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सबको, और फिश को हम ड्राई कर लेंगे। अगर तो आपने फ्रेश ली है तब भी मेक श्योर कि वो ड्राई हो। सॉल्ट आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, कितना आपको करना है। मैं 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 चम्मच, ठीक है, छोटा वाला। साथ जा रही है थोड़ी सी रोज़मेरी, बेज़ल, और पार्सले। ड्राई हर्ब कोई से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये हमारे हो गए हैं मसाले तैयार, और अभी फिश की बारी है। अच्छा जी, इतना थोड़ा सा टिश्यू मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल ड्राई करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी फिश में है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी निकल जाए। अच्छा, तो फिलिस को मैंने ट्रे पर लगा दिया है, और इसके ऊपर भी मैं मसाला लगा दूंगी।
अच्छा जी, तो फिश हमारी हो रही है और यहाँ पर मैंने ये बेक कर लिए हुए थे अपने, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये मैंने पोटैटोस के कुछ बनाए हैं और कुछ स्वीट पोटैटोस के जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको मैंने सिंपल रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और हल्का सा ऑयल मैंने स्प्रे किया हुआ है एंड दैट्स इट। जिसको मैंने तकरीबन 25 मिनट्स बेक किया है और ये अभी आपके सामने इस तरह से है, ठीक है। और साथ साथ हमारी वेजिटेबल्स भी तैयार हो चुकी हैं, बस हमें फ़िश का इंतज़ार है। जैसे ही होगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो फिश हमारी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको तकरीबन मुझे लगा है 30 से 35 मिनट्स मुझे लगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।